नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है UPSC की, और इसमें आपको मिल जाता है आज जो मिल जाएगा 11वां टेस्ट। ये सेट नंबर हो जाता है हमारा 11। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 के टेस्ट जो है करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको 1 से 10 लेकर सभी टेस्ट जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 से 9 तक के जो हैं टेस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जो शॉर्ट लेंथ के हैं, जो आपके 30 क्वेश्चन के हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समय का जो है अभाव है, सभी जानते हैं। एग्ज़ाम की जो है डेट भी लगभग तय ही है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना है UPSC का। और शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है आज की हमारी वीडियो का, ये जो आज का हमारा टेस्ट है ये हो जाता है हमारा साइंस और एनवायरनमेंट से संबंधित। इसमें आपको जो मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन साइंस के और एनवायरनमेंट के, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो आपकी परीक्षा में कभी कहीं ना कहीं एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा पहला टेस्ट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या हो जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल हो जाता है, ये सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। कार्य का जो मात्रक है वो हो जाता है आपका जूल। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं दिया गया है इनमें से, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया गया है जो एनीमोमीटर है, ये वायु की चाल को बताता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एमीटर जो है ये विद्युत धारा को बताएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। टैक्योमीटर है ये दाबांतर से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाएगा गलत। अगर टैक्योमीटर दाबांतर से संबंधित नहीं है तो फिर ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो जो टैक्योमीटर है ये हो जाता है आपका जो क्षैतिज दूरियों और लंबवत जो उन्नयन और उनकी दिशाओं का जो मापन करता है उसके लिए जो आपको टैक्योमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं दिया गया है। पायरोमीटर जो है ये आपका उच्च ताप को बताता है, ठीक है। आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, केवल सी हो जाएगा जो इसमें से सुमेलित नहीं है। इनमें से ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से आपको अगर इंडिविजुअल करके पूछ लिया जाए कि एनीमोमीटर जो है किससे संबंधित है, या वायु की चाल से क्या संबंधित है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है साइंस के और एनवायरनमेंट के मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो करंट के क्वेश्चन हैं वो हम स्किप करेंगे, क्योंकि करंट के जो हैं क्वेश्चन इसमें से हम नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक एक कार और एक मोटरसाइकिल की जो गतिज ऊर्जाएँ समान है, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रम से एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि यदि एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, और इन्हीं वस्तुओं को जो है गतिज ऊर्जा समान होनी चाहिए, ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा है वो इनकी हो जाएगी समान, ये कहा गया यहाँ पर, गतिज ऊर्जाएँ जो इनकी समान हो जाएंगी। और इस स्थिति में क्या होगा, तो उन पर जो है समान अवरोधक बल लगाए जाएंगे जो समान दूरी पर ही रुकेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या होगा, तो इस तरह से अगर समान दूरी पर वो रुकेंगे, समान ही सारी चीज़ें हैं, तो वो जो आपस में हो जाएंगी समान, ठीक है। और समान किस में दिया गया, तो एक्स वाई जेड ये आपस में समान हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, जो गतिज ऊर्जा है वो एक समान लगाई गई है, यदि जो अवरोधक बल है वो भी समान लगाया गया है, और एक ही जो है समान दूरी पर वो रुक रहे हैं, तो हर तरह से जो है समान चीज़ें, समान दूरी जो देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो है बराबर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और बराबर दूरी पर ही वो रुक जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं खड़े रहेंगे अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है गुरुत्व नहीं होता है अंतरिक्ष में। गुरुत्व नहीं होगा अंतरिक्ष में तो आदमी जो है वो सीधे खड़े नहीं रहेंगे, आदमी जो है इधर उधर को लुढ़कते रहेंगे, ठीक है। कभी सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे, कभी पैर नीचे हो जाएगा, सर ऊपर हो जाएगा,
ठीक है, कभी सर उत्तर की दिशा में चला जाएगा, कभी सर जो है पूर्व की दिशा में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है यात्री वहाँ सीधे खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको जो पृथ्वी पर आप खड़े होते हैं, तो पृथ्वी जो है सभी चीज़ों को अपनी तरफ को खींचती है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है गुरुत्व, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है बड़े अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित ऊर्जा निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निष्पादित होती है, संपादित होती है, किसके द्वारा यह क्रिया संपादित होगी ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया था निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपादित होती है, तो ये होती है प्रकाश से जो रासायनिक ऊर्जा बनती है उसके द्वारा ही संपादित होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होगी, तो एक गमले में जब एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से जो है एक पौधा लगा हुआ है और यहाँ जो है सूरज का प्रकाश जब पड़ेगा तो तब इसमें जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब सूर्य का जो प्रकाश पौधे के ऊपर पड़ेगा उस समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है। विंटर लाइन की जो प्राकृतिक परिघटना है वो किस नगर में दृश्यमान होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगी आपकी मसूरी में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो विंटर लाइन है ये प्राकृतिक एक परिघटना होती है और ये मसूरी में द्रव्यमान दृश्यमान होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, नहीं है सहायक स्थिरीकरण में नाइट्रोजन के, ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है धान। इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल करके भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो वो हो जाता है धान का पौधा और धान के खेत में आपको मिल जाती है देखने को नाइट्रोजन। और ये जो धान की फसल होती है इसमें जो है दलदली फसलें होती हैं, और ये जो जितनी भी दलदली फसलें होती हैं जिसमें आपका धान आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगी, इस तरह की जो भी आपकी होती है, इनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपसे किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। धान के खेत में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और जिसकी जो पूर्ति करने के लिए फिर नील हरित जो शैवाल होते हैं उनको जो है प्रयोग में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है। तो जल को जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए सबसे पहले आपके ओजोन की आवश्यकता होगी और इसमें जो ओजोन है ये आपकी जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त हो जाएगी। क्लोरीन ऑक्साइड की बात की गई है, ये भी प्रयुक्त हो जाती है जल को जीवाणु मुक्त करने में। और जो क्लोरोमेनिन है, जो क्लोरामीन है, ये भी जो है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस तरह से तीनों आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे और तीनों का मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। ये सभी जो है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसिनरेटर का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। इंसिनरेटर होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो इंसिनरेटर का जो प्रयोग है ये किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक अवशिष्ट उपचार प्रक्रिया होती है इंसिनरेटर जो होता है, और इसके तहत जितने भी आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके दहन को जो है शामिल कर लिया जाता है, दहन को शामिल करके उसमें कार्बन तत्वों को जो है उसमें से नष्ट कर दिया जाता है और इससे जो है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें फिर बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है जो आपके कार्बन तत्व हैं वो जो है नष्ट हो गए हैं और वो जो है हानिकारक नहीं रहा है, इसलिए जो है कूड़ा कचरा को जलाने से संबंधित हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण हो जाएगा? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो ये माना जाएगा फसली भूमि, ठीक है, जो होता है आपका घास का मैदान और वर्षा जल प्राकृतिक जीवों के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक जल तंत्र हो जाएगा, घास का मैदान हो जाएगा, वर्षा के द्वारा जो वन प्राकृतिक जीवों में ये उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद जो फसली भूमि होती है ये मानव जनित जीवों का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया गया है जो जल तंत्र है, घास का मैदान है, वर्षा तंत्र है, ये सभी जो हैं हो जाते हैं आपके प्राकृतिक जीवों। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? जो एगमार्क एक्ट है ये भारत में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया जाता है आपका 1937 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो है वैधानिक रूप से वर्ष 1937 में अस्तित्व में लाया गया था, ये भी यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोक्सी संलक्षण उत्पन्न करता है, जो नोक नी संलक्षण उत्पन्न करता है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा, ठीक है। नोक नी संलक्षण उत्पन्न करता है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ से कथन और कारण से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन और कारण से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी तरह के आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, जो मृदा प्रदूषण है वो औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए जो मिट्टी का प्रदूषण है वो ज़्यादा खतरनाक माना जाएगा औद्योगिक प्रदूषण से, ठीक है। और मिट्टी में ही जो उर्वरक पीड़क नाशी कीटनाशी और शाकनाशी जो है मृदा के प्राकृतिक भौतिक और रासायनिक जैविक गुणों को नष्ट करके जो है मृदा को बेकार कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला प्रवेश करते हैं, जो उर्वरक और कीटनाशक है भोजन की श्रृंखला प्रवेश करते हैं, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। फ्लाई ऐश से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लाई ऐश से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में। फ्लाई ऐश प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, किसको जलाने से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कोल, पत्थर का जो कोयला होता है कोल इसको कहा जाएगा, इसको जलाने से फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जैव अपघटनीय हो जाएगा ये हो जाता है आपका सीवेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका जो है सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जाता है, ठीक है, सीवेज उनको कहा जाएगा, ठीक है। जैव अपघटनीय हो जाते हैं जिनका जो सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण अपघटन किया जाता है और जैव अपघटनीय ये प्रदूषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण से दे दिया गया है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं, जो तड़ित चालक है इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तड़ित चालक धातु की जो है चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवन की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो ये जो है बचाते हैं इमारतों को नष्ट होने से। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो आवेश होता है ये आपकी जो एक बिल्डिंग है इसके ऊपर जो है एक छड़ लगाई गई है तड़ित चालक की, तो जो तड़ित चालक जो झंझा होती है जो बिजली गिरती है वो इस पर गिरेगी और ये जो है उसको नीचे ज़मीन में पहुंचा देगा, यानी पृथ्वी के अंदर उसको ले जाएगा। इस तरह से इमारत को जो है कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये आप इसको पृथ्वी तक भेज देते हैं, दोनों आपके यहाँ पर दिए गए हैं करेक्ट, और दोनों करेक्ट हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ए और आर यहाँ दोनों करेक्ट दिए गए हैं और आर जो है का सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा कदम हो जाएगा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा इनमें से?
तो इनमें से जो मानवीय जनसंख्या को श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कदम हो जाएगा वो हो जाता है वनारोपण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खनन के कारीगर रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वन रोपण करेंगे तभी कुछ होगा। वन जंतुओं का जो संरक्षण है उससे भी कुछ नहीं होगा। वन जब वन रोपण ही नहीं होगा तो वन जंतुओं का संरक्षण आप कहाँ से करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना ऐसा नहीं है, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका प्रयोग तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा जैव ईंधन से। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, या आपसे पूछा गया कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है इनमें से, तो देख लेते हैं कौन सा जो है सत्य नहीं है। जैव ईंधन पारिस्थिति के अनुकूल होता है, बिल्कुल जो जैव ईंधन है वो पारिस्थिति के अनुकूल हो जाता है। जैव ईंधन जो है लागत प्रभावी होता है, तो ये गलत हो जाएगा, जो जैव ईंधन है वो लागत प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, जैव ईंधन पारिस्थिति के अनुकूल होता है तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो जैव ईंधन होता है वो पारिस्थिति के अनुकूल हो जाएगा। जैव ईंधन की जो लागत प्रभावी होता है तो ये गलत हो जाएगा, जैव ईंधन जो है लागत प्रभावी नहीं होगा। लागत प्रभावी कौन से हो जाते हैं, तो डीजल पेट्रोल कोयला ये आते हैं आपके जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में, तो ये हो जाते हैं लागत प्रभावी। लेकिन जो आपका होता है जैव ईंधन जो जैट्रोफा से भी बनाया जाता है, ठीक है, तो ये जो है लागत प्रभावी आपका नहीं माना जाएगा। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, जो जैव ईंधन है वो समाधान हो सकता है आपका ऊर्जा संकट के समय में। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, मक्का से भी बनता है, जैट्रोफा से भी बनता है, करंज महुआ नीम इन सभी से भी जो है ये बनता है। ठीक है, तो आपका से पूछा गया था कौन सा इनमें से सत्य नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा, जो आपका सत्य नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा जो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत, तो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो हो जाता है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है सुमेलित करने के लिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका जैव मंडल दिया गया है, दूसरी तरफ आपकी अवस्थिति दी गई है, कौन किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इधर आपका जैव मंडल हो जाता है, इधर आपकी जो है अवस्थिति दी गई है, कहाँ से जो है संबंधित हो जाएगी। और इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, सिमलीपाल है, पंचमढ़ी है, नोकरेक है, ये हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। सिमलीपाल की सबसे पहले बात करेंगे, सिमलीपाल हो जाता है ये आपका ओडिशा में। पंचमढ़ी की बात करेंगे, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा, और नोकरेक जो है पहाड़ी हो जाते हैं हिमालय की। ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र भी जो है ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका ए का चार हो जाएगा, और ए का चार दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में भी है और ए में भी है। बी का तीन हो जाएगा, दोनों में दिया गया है बी का तीन। सी का एक हो जाएगा, और सी का एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से डी का हो जाएगा आपका दो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का जो प्रतीक है वो कौन सा जानवर हो जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो प्रतीक है वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जॉइंट पांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1961 में अपनी स्थापना से ही जो संगठन था ये, उसने अपने प्रतीक के रूप में जो है पांडा को अपनाया हुआ है। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। बात हो रही है घड़ियाल की, तो घड़ियाल जो है अपने प्राकृतिक आवास पर कहाँ मिलेंगे देखने को, इनका जो प्राकृतिक आवास है कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर चंबल नदी में। ठीक है, चंबल नदी में आपको जाना पड़ेगा घड़ियालों को उनके आवास में देखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से ही देखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर हो जाएगा, कथानुकारण से फिर से क्वेश्चन दे दिया गया है। मैग्रो कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट। जो मैग्रो होते हैं कुछ तटों के, जो समुद्र तटों के सीमावर्ती होते हैं, उनमें जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो विशिष्ट वन जो हैं पारिस्थितिकी निकाय के अंग होते हैं। कारण की बात करेंगे, वे तट रेखा को जो है स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम भी करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका हो जाता है करेक्ट।
दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं इस तरह से, और दोनों जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर जो है एक सही व्याख्या भी करता हुआ पाया जाता है, इसीलिए यहाँ से आपसे पूछा गया था सही कौन सा, तो केवल एक आपका यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय भारत से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था, किस युग में हुआ था हिमानीकृत जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाएगा, तो ये हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत का कुछ हिस्सा, ठीक है। इस तरह से जो ये नीचे वाला क्षेत्र है ये आपका कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा जो हिम युगों में हिमानीकृत हुआ था, तो ये हुआ था आपका प्लीस्टोसीन हिमयुग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। प्लीस्टोसीन युग के जो विभिन्न समय को स्थल का अधिकांश भाग हिमचादर द्वारा जो है आच्छादित हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जो जलीय घास फूस है वो कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए अगर आप आंसर जानते हैं तो आप इसको हमें बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। विश्व की पूछी गई है सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ई कोर्निया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हो जाता है जो जलकुंभी होती है एक स्वतंत्र प्लवक पादक माना जाता है, और इसमें जाइलम जो है अल्प विकसित होता है, ठीक है, इसलिए ये हो जाता है आपका ई कोर्निया। और ये जलीय घास फूस है जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है, ठीक है, और ये हो जाती है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये जो ई कोर्निया होता है इसको एक नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम हो जाएगा, तो इसको नाम इसको जाना जाता है बंगाल के आतंक के नाम से। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक कहा जाता है आपका ई कोर्निया को, और ई कोर्निया कहा जाता है आपका जलकुंभी को, ठीक है, जो आपको जो है आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं तालाबों में देखने को मिल जाती है, ठीक है, इस तरह से जो है तालाबों में देखने को मिलेगी, इसकी जड़ पानी के अंदर होती है और ये पौधा जो है ये होता है पानी के ऊपर, ठीक है, इसमें जो है काफ़ी सारे इस तरह से जो है बने हुए होते हैं, इनके अंदर जो है पानी को जो है सोख लेती है, ठीक है, इसके अंदर पानी को सोखने की क्षमता होती है, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, बंगाल के आतंक के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाएगा जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक है ये प्राप्त किससे किया जाएगा, तो ये प्राप्त किया जाएगा आपका आइस कोर से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आइस कोर का मतलब होता है हिम तत्व, ठीक है, इसका जो हिंदी में मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिम तत्व, ठीक है, हिम तत्व हो जाता है। और ये जो किसी ग्लेशियर या फिर बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया जाने वाला एक बेलनाकार नमूना माना जाता है, ठीक हो, इसको जो है जलवायु वातावरण की जाँच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख इसको माना जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आइस कोर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जैव सुरक्षा से संबंधित, यानी बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी की बात करेंगे तो जैव सुरक्षा का जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षा के लिए, 27 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये पर्यावरण वन मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे जैव सुरक्षा पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये हो जाता है भारत में 23 जनवरी 2001 को इसमें भारत ने हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे कार्टाजेना पर, तो ये किए गए थे भारत की तरफ से 23 जनवरी, ठीक है, ये जनवरी हो जाती है 23 और ईयर हो जाता है ये आपका 2001, भारत ने जो है हस्ताक्षर किए थे आपके 2001 में, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा भारत की जैव विविधता से, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में शिलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिंड मिनीवेट और हाइट थ्रोट रेड स्टार्ट क्या है, ये क्या हो जाती है, इतनी सारी जो प्रजातियों के नाम आपको दिए गए हैं, पक्षी हो जाएगा, प्राइमेट हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा या फिर आपके उभयचर हो जाएंगे, तो ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी हो जाते हैं आपके एक तरह के पक्षी, ठीक है, ये जो सारे पक्षी हैं ये पाए जाएंगे आपके भारत में जो, ठीक है, ये भारत में ही पाए जाएंगे आपके सारे पक्षी,
ठीक है, और ये पक्षी की प्रजातियाँ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है कैसे होता है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है जैव परिवर्तन, पृथ्वी पर समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका करेक्ट है, कौन सा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 29, आप अपने आप को परख सकते हैं आंसर देकर। 29 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, ये आपकी भूमध्य रेखा होती है। जब आप चलेंगे भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है, तो जैव विविधता में जो है परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कथन और कारण से। इसी तरह के बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो यहाँ दिया गया है आपका, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, तो ये तो आपका बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जो है करेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि ओजोन जो है हमारे लिए जो है जो रेडिएशन होती है, जो सूरज की रोशनी हमारे पास डायरेक्ट आनी चाहिए थी उसको जो है रोकती है और उसमें से जो है रेडिएशन को ख़त्म करती है। ठीक है, उसकी जो किरणों से जो पराबैंगनी किरणें हैं उसकी जो अवशोषण की क्षमता होती है, उसको जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको जो है वो अवशोषित कर लेती है। अगर पराबैंगनी किरणें हमारे जो है किसी भी शरीर पर जो है आकर डायरेक्ट पड़ जाएगी, ये हम खड़े हैं और सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट आ जाएंगी, तो हम जो है कहीं ना कहीं जो है जल जाएंगे, हमारे को जो है स्किन के जो है इन्फेक्शन हो जाएंगे और बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ओजोन परत पृथ्वी को उष्ण उच्च ऊर्जा विकिरण सेंसर से संरक्षित करती है। जो ओजोन परत है पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये तो हम बता रहे थे अभी। ठीक है, हमें जो बचाती है जो ऊर्जा का विकिरण होता है उसके संरक्षित करती है ओजोन परत, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसलिए 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाएगी वो कौन सी हो जाएगी? इकोक्लाइविन, हेलोक्लाइविन, पिक्लोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है पिक्लोक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पिक्लोक्लाइन कहा जाएगा निम्नलिखित में से जो जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाएगी। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इनमें से बताना है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम और पीपल, कौन जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? और ये सभी जानते होंगे, ठीक है, मन में सबने आंसर सोच लिया है अपना, कौन कौन सा जो है इनमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, UP SSC में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट ये यहां से होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होगा? हमेशा सीधा होगा, शायद सीधा या उल्टा होगा हमें पता ही नहीं है, हमेशा उल्टा होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमेशा सीधा रहेगा। ठीक है, हमेशा जो है किसी भी ऊर्जा पिरामिड में जो है हमेशा जो है सीधा रहने वाला है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है ये हमेशा सीधा रहता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन में मानव है। मानव क्या है? जो एक फूड चैन होती है उसमें मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है? इनमें से एक सही है वो आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है यानी फूड चैन, इसमें मानव क्या है, मानव को कहाँ रखेंगे आप? तो इसमें जो मानव हो जाएगा वो हो जाता है आपका, मानव जो है साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य जो है प्राथमिक उपभोक्ता माना जाएगा, सबसे पहले आपका ये करेक्ट हो जाएगा, और वो जो है फिर मांसाहारी होने पर जो उसको द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा, इस तरह से वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता भी हो जाएगा और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT इसको कहा जाता है, NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब
स्थापित किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है 2010 में, ठीक है, और ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, 2010 रखना है आपको याद ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय, जो पर्यावरण अपकर्ष होता है उससे अभिप्राय आपका हो जाएगा, क्या अभिप्राय हो जाएगा, तो ये अभिप्राय हो जाता है जो पर्यावरण अपकर्ष होता है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये आपका हो जाता है करेक्ट, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी करेक्ट हो जाता है, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी करेक्ट हो जाता है जो अपकर्ष होता है आपका पर्यावरण का। तो सारे जो हैं आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका फिर तो करेक्ट होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। पर्यावरण अपकर्ष की बात की गई है, और ये जो है पर्यावरण जो अपकर्ष होता है, ये प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षरण होता है उसको जो है पर्यावरण पे होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है, ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है आपका सुमेलित करने के लिए, ठीक है, सुमेलित करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सुमेलित करने के लिए कथन के कारण के बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले आपका दिया गया जो दो टेबल दी गई हैं, पादप हार्मोन दिया गया सूची एक में, और कार्य दिए गए हैं इनसे क्या क्या कार्य होते हैं सूची दो में, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इनसे संबंधित है। तो यहाँ संबंधित हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीटोसिन की बात की, ऑक्सीन की बात की गई है, ऑक्सीन किससे संबंधित हो जाएगी, तो ऑक्सीन संबंधित हो जाती है शिखर प्रधानता से, ऑप्शन नंबर ये हो जाता है आपका ए का चार। जिब्रेलिन की बात की गई है, तो जिब्रेलिन आपकी संबंधित हो जाती है जो कोशिका में वृद्धि होती है, जो हमारे अंदर कोशिका हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है आपकी जिब्रेलिन की वजह से, अगर जिब्रेलिन नहीं है तो कोशिका में वृद्धि होना संभव ही नहीं है, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करेंगे, तो साइटोकाइनिन हो जाता है कोशिका जो विभाजन होता है वो हो जाती है आपकी साइटोकाइनिन की वजह से। इसके बाद बचता है आपका एफसीसी का अम्ल, एफसीसी ये एक बच जाता है जो वृद्धि का अवरोधक हो जाता है, जो हमारी वृद्धि होती है उसमें जो है अवरोध पैदा करता है वो हो जाता है एफसीसी का अम्ल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ए का चार हो जाएगा, ये दिया गया आपका बी में, सी का हो जा बी का हो जाता है एक, और सी का हो जाता है दो, और डी का हो जाता है हमारा तीन, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर होने वाला है, इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, सामान्य पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है, वर्गीकरण का अंश कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, और जैविकीय पर्यावरण। 38 नंबर हो जाता है क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर केवल एक है, क्या है बता दें, चलिए तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिचालन पर्यावरण जो है इसको कहा जाने वाला है, ठीक है। सामान्यतः जो पर्यावरण है, जो भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, और एक बचता है आपका जैविक पर्यावरण, इनको जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, परिचालन पर्यावरण के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है, जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में कौन सा आ जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जैव जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसकी श्रेणी में आ जाते हैं औद्योगिक प्रक्रम में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका होने वाला है, ठीक है। फिर जो है अभिकथन और कारण से आपका क्वेश्चन दिया गया है, कारण और कथन से क्वेश्चन आ जाता है, तो मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो ये तो आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, जो मानव है, पहला जो कथन दिया गया है आपका ये हो जाता है आपका गलत, ठीक है। कारण की बात करेंगे, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा शरीर है उसके लिए विटामिन अनिवार्य हो जाते हैं, उनके बिना जो है हमारा काम नहीं चलेगा, तो दूसरा तो है जो है आपका सत्य हो जाएगा, तो यहाँ दिया गया है पहला कथन असत्य हो जाएगा और दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है पहला गलत हो जाएगा, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, पहला गलत है और दूसरा जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का जो है संग्रह कर लेते हैं, कौन प्राणी होते हैं जो अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे,
41 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ केवल एक ही दिया गया है ऑप्शन में, होते तो काफ़ी सारे हैं लेकिन यहाँ दिया गया है ऊँट। ऊँट जो है अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और ये जो है मरुस्थल में रहता है ज़्यादातर, तो इसको जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो इसको जो है बार बार पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा खोज बत्ती में दर्पण को, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा हो जाएगा, जो खोज बत्ती होती है उसमें दर्पण कौन सा प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें हो जाता है जो नतोदर दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नतोदर दर्पण होता है, ठीक है, जो लगता है आपका कारों की हेडलाइट में, खोज करने वाली बत्ती में, इसमें जो है परावर्तक के रूप में या फिर अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको जो है नतोदर कहा जाएगा या फिर इसको अवतल कहा जाएगा, जो आपका कारों की हेडलाइट वगैरह में यूज होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण, और अवतल को जो है नतोदर दर्पण भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, लेजर का आविष्कार किया गया है, तो ये किया जाता है थियोडोर मेनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थियोडोर मेमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया जाता है, और ये कब की बात है, तो ये बात हो जाती है आपकी 1960 की, ठीक है, 1960 में लेजर का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिर से सूची और सुमेलित करने के लिए, एक तरफ आपकी सूची दी गई है, एक तरफ आपकी सूची दो दी गई है, आपको जो है सुमेलित करना है और बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके दिए गए हैं पक्षी, पक्षी को क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। पक्षी को कहा जाता है आपका ओर्नोलोथी से संबंधित हो जाते हैं, ऑर्निथोलॉजी से संबंधित हो जाएंगे आपके पक्षी। इसके बाद जो आपकी बस्ती है जो हो जाती है आपकी वंशागति, वंशागति को कहा जाता है जेनेटिक से संबंधित हो जाती है। पर्यावरण ये हो जाता है आपका इकोलॉजी से संबंधित, और जीवाश्म जो है ये पैलियो बायोलॉजी से संबंधित आपका हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से दिया गया है कौन सा इनमें से सही है, ये आपको देख लेना सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है, विचार करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। तो कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवाज आवर्तक जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, जो कम लंबाई की बांसुरी है उससे आवर्तक तरंगे जो उत्पन्न नहीं होगी, ये जो है आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। अगर आपकी जो आवृत्ति को उत्पन्न करना है तो उसके लिए जो है आपको अधिक लंबी बांसुरी की आवश्यकता होगी, वो जितनी लंबी बांसुरी होगी तो वो जो है तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करेगी, और इस तरह से जो है आवृत्ति जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला आपका गलत हो जाता है, ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रस्थायस्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो ये भी आपका गलत, जो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं, और दोनों गलत हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दो सही है, ये ही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन आ जाता है आपका अभिकथन से और कारण से, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो आपकी सेल्यूलोज है उसके पाचन में जो है असक्षम आपका हो जाएगा। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है, तो ये आपका हो जाता है सही। दोनों आपके सही दिए गए हैं और दोनों सही हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अलग बात कर रहा है और ये जो है अलग बात कर रहा है, दोनों कथन आपके अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा हो जाएगा, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन या फिर थायरोक्सिन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है आपका जो एस्ट्रोन है, जो एस्ट्रोन है ये हो जाता है आपका एक स्त्रीलिंग हार्मोन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे, ये टेस्टोस्टेरोन है, ये आपका हो जाता है जो पुल्लिंग हार्मोन होता है, जो आपको मिल जाएगा आपका पुरुष या मेल में देखने को, ठीक है। और इसके अलावा दिया गया है आपको जो एक हो जाता है आपका एंडोस्टेरोन, ये भी कहा जाता है आपका जो एंडोस्टेरोन है, इसको एंडोस्टेरोन कहा जाता है, ये भी एक पुरुष हार्मोन माना जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन की बात करेंगे तो थायरोक्सिन एक ग्रंथि हो जाती है, ठीक है, ये थायरॉइड की ग्रंथि हो जाती है आपकी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जो हाइड्रोफोबिया है वो किसके द्वारा होगा? तो ये हो जाता है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया तो जब पानी के डरने की प्रक्रिया को जो है हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है, जहाँ हाइड्रा जो है वर्ड लिखा जाएगा, ये हाइड्रा, तो ये कहीं ना कहीं आपका जल से संबंधित हो जाता है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ हाइड्रा दिया गया तो ये कहीं ना कहीं आपका जल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो जाएगा? विषाणु के द्वारा होता है, और ये पानी से डरने की जो है प्रक्रिया होती है आपकी हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और इसमें जो रोगी है वो पानी से इतना डरता है, कहीं भी वो जाता है तो उससे वो डरता है, झील में, तालाब में, ठीक है, नदी में, गंगा में, कहीं भी जाएगा तो वो उससे जो है घबराता हुआ फिरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा कुष्ठ रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? कौन सी हो जाएगी जो चिकित्सा के लिए उपयुक्त हो जाएगी, यक्ष्मा की और कुष्ठ रोगों की? तो ये हो जाती है एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाती है यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। सूची एक हो जाती है, इधर आपकी सूची दो हो जाती है, और देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है जो त्वचा का जो कैंसर होता है वो किससे संबंधित हो जाता है, त्वचा का कैंसर। तो त्वचा का कैंसर ये होता है आपका जो पैरागा बैंगनी किरणें होती है, इससे हो जाएगा आपका त्वचा का कैंसर। ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे तो इसको मापा जाता है आपका डेसिबल में, किससे संबंधित हो जाएगा, डेसिबल से हो जाएगा। वैश्विक तापन की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित हो जाएगा। और ओजोन छिद्र की बात करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित ये हो जाता है आपका ओजोन छिद्र, ठीक है। इस तरह से ए का दो हो जाएगा, बी का तीन हो जाएगा, सी का चार, और डी का हो जाता है हमारा एक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, इसका कारण है कि प्राणियों के मामले में क्या कारण हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो कारण है वो हो जाता है अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अग्नाशय के जो हार्मोन है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें हैं वो खाने को दी जाएंगी तब भी उसके रक्त में शर्करा का जो सांद्रण वो स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जल का जो वाष्प में परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भौतिक परिवर्तन किसको कहा जाएगा? तो भौतिक परिवर्तन उसको कहा जाता है जब वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, और लेकिन उसको जो है फिर वापस उसी रूप में लाया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है आपका भौतिक परिवर्तन। यहाँ समझेंगे जल वाष्प के द्वारा, तो ये जल है इसको जो है बीकर में करके जो उबाला जाता है, इससे जो है यहाँ पर बन जाती है इसकी जो वाष्प, इस वाष्प को फिर से इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इससे फिर से जो है इसको बीकर में भर लिया जाता है, यानी इससे जो है फिर से पानी जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोबारा से अपने उसी रूप में आ गई है, तो इसको जो है कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कथन और कारण से, प्रेशर कुकर में एबेनॉइड का जो हत्ता लगा होता है, जो प्रेशर कुकर में एबेनॉइड का हत्ता लगा होता है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। और एबेनॉइड मजबूत होता है, तो एबेनॉइड जो है मजबूत होता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एबेनॉइड का हत्ता लगा होता है, एबेनॉइड मजबूत होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है एक सही व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। जितने भी आपके खाना बनाने के बर्तन होते हैं जिसमें प्रेशर कुकर वगैरह सभी आ जाते हैं, उसमें जो है एबेनॉइड के हैंडल लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एबेनॉइड के जो है हैंडल उसमें लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं एबेनॉइड के हैंडल? क्योंकि लकड़ी का जो एबेनॉइड है उसमें के कुचालक होते हैं, इसलिए जो है उनको लगाया जाता है, और ये जो है काफ़ी मजबूत भी माने जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इनमें से बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलग्न कहलाता है, किसी नाभिक के टूटने का जो क्रिया है वो नाभिकीय संलग्न कहलाता है, तो नाभिकीय संलग्न ये नहीं कहा जाएगा, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलग्न जब कहा जाएगा जब दो परमाणु जो है आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, उसको जो है नाभिकीय संलग्न कहा जाता है। तो दूसरा आपका ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी आपका सही नहीं है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेल जो सही नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा जो इसमें से आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकोण युग्म है, इनमें से कौन सा हो जाएगा जो एक कण प्रतिकोण युग्म है। तो प्रतिकोण युग्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रतिकोण युग्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल की जो निम्नलिखित विशेषताओं पर आपको विचार करना है, क्या क्या हो जाती हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है इनमें कौन विशेषताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं। तो ये हो जाएगा जो रेडियल टायर होते हैं, ठीक है, ये संबंधित हो जाएंगे। जब नया मॉडल आएगा तो उसमें जो है नई तरह के टायर आपको देखने को मिलेंगे। बहु बिंदु ईंधन अंतःक्षेप, ये भी इसमें हो जाता है। और अंतः प्रेरक रोचक रेचक जो है सही थी, ये हो जाएगा। सुप्रभावी ढांचा जो है ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इस तरह से 1, 3 और 4 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। 1, 3, 4 दिए गए हैं आपके किस में, तो 1, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ये ही हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का जो सुविलायक है वो क्या क्यों हो जाएगा। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो ये हो जाता है उसका द्वि ध्रुव आघूर्ण जो है ये अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा हेलोजन से संबंधित, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं क्या है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन या फिर आयोडीन। हेलोजनों की बात हो रही है, सबसे क्रियाशील क्या हो जाएगा, तो सबसे क्रियाशील हो जाता है इसमें फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कथन और कारण से, बड़े शीत गृह संयंत्र प्रतिशत के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रतिशतक ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। और कारण दिया गया है, अमोनिया को कम दाब पर एवं परिवेश ताप पर जो है द्रवित किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाता है गलत। तो इस तरह से आपका ए सही है और आर आपका गलत हो जाता है। ए सही है और आर गलत, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ए सही है परंतु आर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया को जो है द्रवित करने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है यहाँ दिखाया गया आपको कम दाब की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है गलत आपका हो जाता है, ठीक है। ये दिया गया कम दाब की आवश्यकता होती है, ये इसलिए गलत हुआ है, उसको कम दाब की आवश्यकता नहीं होगी, उसको जो है अधिक दाब की आवश्यकता हो जाएगी द्रवित होने के लिए अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है इनमें से। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये बॉक्साइट से संबंधित हो जाता है। कॉपर जो है ये सिनेबार से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाता है। कॉपर किससे संबंधित हो जाता है, तो कॉपर हो जाता है ये क्यूपराइट से संबंधित, क्यूपराइट से संबंधित हो जाता है आपका कॉपर। कॉपर जो है क्यूपराइट से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। जिंक की बात करेंगे, ये आपका कैलामाइन से संबंधित हो जाता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। आयरन की बात करेंगे, ये आपका हेमेटाइट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। और सिनेबार की अगर बात करेंगे तो सिनेबार संबंधित हो जाता है ये पारा से, ये भी आपसे पूछा जाता है, पारा जो है सिनेबार से संबंधित हो जाएगा, पूछ लिया जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों पे से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, तो हानिकारक पदार्थ ये माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं जो मैथिल अल्कोहल होती है, ये माने जाते हैं। इसमें जो क्या होता है, तो इसमें रंगीन द्रव होता है जो जल में हर अनुपात में जो है घुलनशील हो जाएगा, ये होता है आपका मैथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा उत्तर प्रदेश से,
उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, प्रथम हो जाता है बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक, ठीक है। इसकी नींव की बात करेंगे कब जो है स्थापित हो जाता है, तो ये बनाया गया था आपका 2003। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची को जो है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में आपके परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में आपके दिए गए हैं स्थिति वाला राज्य, ये कहां से संबंधित हो जाते हैं ये आपको बताना है। कल्पक्कम की बात की गई है तो ये हो जाता है आपका तमिलनाडु में। नरोरा जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मिल जाएगा देखने को। कागरा पार ये हो जाता है आपका गुजरात में और ट्रांबे हो जाता है ये महाराष्ट्र में। इस तरह से ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, सी का हो जाता है आपका 2 और डी का हो जाता है आपका 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है इनमें से। विटामिन डी की बात करेंगे, ये आपका कैल्सीफेरोल हो जाता है। विटामिन ई जो है ये ई टोको कोको मत कुछ भी, तो विटामिन ई जो है टोको सेरोल से संबंधित हो जाता है। बी ट्वेल्व की बात की गई है तो बी ट्वेल्व हो जाता है ये आपका साइक्लोकोबाल माइन से संबंधित, बी ट्वेल्व, ठीक है। इसके बाद जो है बी सेवन ये आपका पाइरोडोक्सिन से संबंधित नहीं है, आपका हो जाता है गलत। बी सेवन किससे संबंधित हो जाता है, तो बी सेवन जो है ये हो जाता है आपका बायोटीन से संबंधित, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बायोटीन से संबंधित हो जाता है आपका बी सेवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी सीओडी, सीओडी इसको कहा जाएगा रासायनिक ऑक्सीजन। इसका परीक्षण का उपयोग जो है आमतौर पर निम्नलिखित में किसे मापने के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रासायनिक ऑक्सीजन मांग का परीक्षण, तो ये किया जाएगा जो अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसके निर्माण में किया जाएगा इसका प्रयोग, वो कौन सा हो जाएगा। और इस जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आज 11, इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं और वो भी 10 सेट कराए हैं हमने पूरे 150 क्वेश्चन के फुल लेंथ के, ये टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। बात की गई है क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आर्मी चीटों का अनुसरण करने वाली पक्षी जीवों के बीच निम्नलिखित में किस प्रकार के सहजीवी संबंध का एक उदाहरण हो जाता है, आर्मी चीटों का अनुसरण करने वाले जीवों के बारे में बताना है। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सहभोजिता जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, जिसमें जीव क्या करते हैं तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना वो लाभ पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका कई जो है पक्षी सेना के चीटों और चीटों की कुछ प्रजातियों के साथ सहभोजी संबंध बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्राथमिकता उत्पादकता कम है, इसका कारण क्या है। 69 क्वेश्चन हो जाता है, इसका कारण आपसे पूछा गया है, तो इसका कारण हो जाता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिट्टी की तीव्र निक्षालन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया था जो आपका होता है समशीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्राथमिकता उत्पादकता कम है, तो इसीलिए कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आपका हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन आ जाता है आपका अपवर्तन में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, आसमान में जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो पहला तो आपका हो जाता है ये करेक्ट,
कारण की बात करेंगे वायुमंडल में अपवर्तन में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। कारण और कथन दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट दिखाए गए हैं, और दोनों करेक्ट किस में हो जाते हैं यहाँ पर आप देख लेते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबरपुर माती किस जिले का मुख्यालय है? जो अकबरपुर माती है वो किस जिले का मुख्यालय है? तो ये हो जाता है कानपुर देहात का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबरपुर माती है कानपुर देहात का मुख्यालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है लाइकेन एक अग्रणी प्रजाति है। लाइकेन एक अग्रणी प्रजाति है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? इस कथन से क्या समझते हैं आप? जो लाइकेन है वो अग्रणी प्रजाति हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है, यह आमतौर पर किसी परिस्थिति तंत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाली पहली प्रजातियों में से एक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन जो आमतौर पर एक नंगी चट्टान पर निवास करने वाली पहले जीव माने जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर सही सूक्ष्म जीवों के ऊतकों में किसी पदार्थ जैसे कि जहरीले रसायन की बढ़ती सांद्रता की घटना को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 73। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन जिसे बायो एम्प्लीफिकेशन या फिर जैविक आवर्धन के रूप में भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जैव आवर्धन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विचार करने के लिए दिया गया है, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है ये कथन सबसे अच्छे संबंधित किससे हो जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाता है हमारे उत्तरी भारत में गंगा जलोढ़ मैदान को कवर करता है, उत्तरी भारत में गंगा जलोढ़ मैदान को कवर करता है और स्थलाकृति समतल नीची खराब जल निकासी वाली जगह हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा। दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो जो होती है आपकी उत्तरी भारत में गंगा जलोढ़ मैदान को कवर करेगा, तो ये शुष्क तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अर्ध शुष्क भी नहीं होगा, और स्थलाकृति जो समतल नीचे और खराब जल निकासी वाली होगी, तो आर्द्र जो है पर्वतीय भी ये नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें जो है खराब जल निकासी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाता है आपका जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया कथन और कारण से। पश्चिमी घाट क्षेत्र को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक क्षेत्रों में एक माना जाता है, एक माना जाएगा जो पश्चिमी घाट क्षेत्र को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक क्षेत्रों में, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। यह एंडेमिज्म के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन जो हैं आपके करेक्ट दिए गए हैं, और यहाँ दिया गया कथन एक और कथन दो सही हैं, तथा कथन दो जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, चार कथन आपको दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें से जो है सही कथन कौन सा हो जाएगा। सही कथन आपको केवल इसमें से बताना है। बात करेंगे इसके बारे में, सिटीज़ जो साइट्स है जंगली जानवर और पौधों की प्रजातियों के विश्वव्यापी वाणिज्य व्यापार को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाता है, तो ये तो आपका हो जाएगा आप बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, और इसका जो उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जंगली में प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाले, बिल्कुल इस पर जो है ये बिल्कुल रोक लगाता है। तीसरे कथन की बात करेंगे, कन्वेंशन के लिए राज्य पार्टियों का कानूनी रूप बाध्यकारी नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत।
आपसे पूछा गया था सही कौन सा, तो एक और दो आपके सही हो जाएंगे, और एक और दो किस में दिए गए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं आपके एक और दो, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 77। निम्नलिखित में किसका उपयोग न्यूटन मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, जो न्यूटन मंदक है उसके रूप में नहीं किया जाएगा, किसका उपयोग? तो ये नहीं किया जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम की जो मिश्र धातु होती है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा आपका मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, इनमें से बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इनमें से एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो विषाणु जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। जीवाणु, अमीबा, पैरेमीशम, ये जो है सब एक कोशिकीय जीव आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा बायोटॉप क्या है, जो बायोटॉप है वो क्या हो जाएगा? तो बायोटॉप हो जाता है ये एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र है जो विशिष्ट पारिस्थितिकी स्थितियों की विशेषता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बायोटॉप की बात की गई है तो ये हो जाता है जो विशिष्ट पारिस्थितिकी स्थितियों की विशेषताओं को दर्शाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, सूची एक दी गई है, इधर आपकी सूची दो दी गई है। बाल की बात करेंगे, बाल आपका ये केराटिन से संबंधित हो जाता है बाल। प्रोटीन और वसा की बात करेंगे, ये आपका मिल जाता है सबसे पहले आपको मूंगफली में देखने को। ग्लूटीन जो है ये आपका गेहूं में देखने को मिलेगा आपका ग्लूटीन। और सैक्रीन जो है जो मीठी होती है कृत्रिम मिठास उसको कहा जाता है आपका सैक्रीन। ये सैक्रीन ऐसी होती है थोड़ी सी जो डालने पर ही जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है मीठा कर देती है, तो ये होती है आपकी कृत्रिम, हाथ से बनाई गई होती है ये, ठीक है, मानव द्वारा बनाई गई है कृत्रिम मिठास। तो इस तरह से ए का आपका दो हो जाएगा, बी का एक हो जाएगा और सी का हो जाता है चार। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये सब कुछ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आनुवांशिकता की जो मूलभूत इकाई है वो क्या हो जाएगी, आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई, तो ये हो जाती है जीन, ठीक है, ये हो जाती है जीन जो आनुवांशिकता की एक मूलभूत इकाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है इनमें से, 82 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हो जाता है नारियल, नारियल जो है मांसल से संबंधित नहीं हो जाएगा। तो अफीम की बात की गई, अफीम जो है ये डूडी से संबंधित हो जाएगा, सन जो है एक तना हो जाएगा, नारियल जो है मांसल से संबंधित नहीं है, ये हो जाता है आपका गलत। नारियल किससे संबंधित हो जाता है, तो नारियल जो हो जाता है ये भ्रूण कोष से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, नारियल का होता है भ्रूण कोष माना जाएगा। केसर की बात करेंगे तो केसर जो है एक मसाला हो जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो इसमें से सुमेलित नहीं दिया गया है। मानव विरक में पथरी पाए जाने वाला प्रमुख यौगिक है, मानव विरक में जो पथरी पाए जाने वाला यौगिक है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मानव विरक में पथरी पाए जाने वाला प्रमुख यौगिक हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है ये क्या होता है, तो इसमें जो है कहते हैं ना कि किसी के पथरी हो गई पेट में, पथरी हो गई कहीं, पथरी हो गई, तो ये पथरी होती है जो कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो है एक गांठ सी छोटी सी बन जाती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है तो मूत्र के रास्ते में जो है रुकावट जो है आपकी बना देती है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करते हैं ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, आपके जो है ये यहाँ पर जो है आपके हार्ट में इसको लगाया जाएगा और फिर इसको जब ऊपर रखा जाएगा तो ये वहाँ से जो है फिर उसका ध्वनि का जो है वहाँ से परिवर्तन होगा, परावर्तन होगा और वो आपके कानों में जो सुनाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्वनि का परावर्तन पर जो है सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित माध्यमों में किसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होने वाली है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका पारा, इसमें जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। यहाँ दिया गया अपमार्जकों या डिटर्जेंट के संबंध में क्या असत्य हो जाएगा, असत्य आपसे पूछा गया है डिटर्जेंट के संबंध में, तो ये कठोर जल से कपड़े धोने के काम आता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, कठोर जल से जो है कपड़े धोने के काम में भी आता है आपका डिटर्जेंट।
इसमें अधिकतर जो नदियों में जाकर प्रदूषण करती हैं, क्योंकि जैव निम्नीकरण होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है नदियों में जाकर जो है प्रदूषण करेगा। इसे बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, तो पेट्रोल की इसमें कहाँ आवश्यकता होती है, तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया असत्य, तो सी हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर असत्य दिया गया है। इसको बनाने में पेट्रोलियम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। साबुन की अपेक्षा इसमें आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल सी है जो आपका हो जाता है यहाँ पर इनकरेक्ट। श्वसन के दौरान गैसों का जो विनिमय कहाँ होता है, जब हम सांस लेते हैं उसके दौरान जो गैसों का विनिमय कहाँ हो जाएगा, तो ये होता है फेफड़ों की जो कूपिका कोशिका होती है उसमें हो जाता है आपका श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन हो जाएगा जो निम्न में से सुमेलित नहीं है। बोलोमीटर की बात करेंगे, उसमें विकिरण मापने का यंत्र हो जाता है बोलोमीटर। कैलोरी मीटर की बात करें, ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र ये हो जाता है। एक्यूमिनेटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो एक्यूमिनेटर है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक यंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। डायनोमोमीटर की बात करेंगे, इंजन धारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो केवल सी हो जाएगा, जो आपका सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। हरी सब्जियाँ किसका अच्छा स्रोत होता है, हरी सब्जियों की बात आ गई है, और हम आपको याद दिला दें ये जो सेट है ये चल रहा है हमारा 150 नंबर का सेट नंबर हो जाता है हमारा 11। इससे पहले हमने 10 सेट करा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इनमें हमने हाथी में दिए गए हैं। बात की गई है हरी सब्जियों की किसका अच्छा स्रोत हो जाता है, तो ये हो जाता है बीटा कैरोटीन का, जो अच्छा स्रोत हो जाता है आपका सब्जी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 90, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है जो पर्यावरणीय गुणों का जो पूर्ण रूप से निम्नीकरण को जो है पर्यावरणीय अपकर्ष के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जब प्राकृतिक आवास का विनाश करेंगे, जैव विविधता की हानि होगी, उसमें जो है पर्यावरण को जो होने वाला नुकसान है उसको जो है पर्यावरण अपकर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय अवस्थित है वो कहाँ हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो ये हो जाता है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एम्स्टर्डम में हो जाता है ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, और ये जो आपका एम्स्टर्डम है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट नीदरलैंड ही पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए जीवमंडल एक खुला और विविध तंत्र का उदाहरण है, तो ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। कारण की बात करेंगे, जीवमंडल पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो दूसरा आपका यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। ठीक है, पहला केवल आपका सही हो जाता है, एक सही है दो गलत, और ये किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, ए सही है और आर आपका गलत यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जैवमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है, क्या सोख लेता है, तो ये सोख लेता है केवल पैरा बैंगनी की बी किरणों को सोख लेता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वायुमंडल में जो ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोख लेता है, जो ओजोन है केवल पैरा बैंगनी किरणों को सोख लेता है। जैवमंडल की संरचना और प्रक्रियात्मक इकाई है कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है जो पारिस्थितिक तंत्र है ये हो जाएगा जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, कथन और कारण से जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, जाड़े की ऋतु में हो जाएगा दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर रहता है, तो पहला तो आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। कारण की बात करेंगे, मोटर गाड़ियों में जो दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, दहन प्रक्रिया क्यों बढ़ जाएगी जाड़ों में, ठीक है, वो तो गर्मियों में बढ़ेगी। और इस तरह से आपका दिया गया है, केवल एक आपका सही हो जाएगा और बी जो है आपका ये सही गलत हो जाएगा, तो
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए सही, परंतु आर जो है आपका गलत यहाँ पर माना जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थापित हो जाता है पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाता है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है आपका उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के भी हो जाता है नैनीताल जिले के, उत्तराखंड में भी हो जाता है नैनीताल जिले में, ठीक है। कब इसकी स्थापना हो जाती है, तो इसकी जो स्थापना वो हो जाती है आपकी 1936 में हो जाती है, और 1973 में जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की कब की गई है, तो 1973 में की गई है यहाँ पर। एजेंडा 21 में कितने समझौते होते हैं, जो एजेंडा 21 है उसमें कितने समझौते होंगे, तो ये हो जाते हैं चार, ठीक है, चार समझौते हो जाते हैं आपके एजेंडा 21 में। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन और कारण से, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो अभी विवादित मिथक कि ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य है, हाल के शोधों के द्वारा इसको अमान्य कर दिया गया है, तो ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कारण की बात करेंगे, खोजा गया है कि समुद्री किनारों से कुछ रासायनिक संश्लेषित जीवाणु भूपट्टी के अंदर सृजित हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, और इस प्रकार खाद श्रृंखला का प्रारंभ हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं, और दोनों करेक्ट इसमें हैं, तो दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में, ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो सकता है, जो चावल की पॉलिश होती है उन पर जो उनसे जो आपको रोग हो सकता है, कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये हो जाता है बेरी, ऑप्शन नंबर ये वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेरी रोग हो जाता है, जो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 100 नंबर, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों को कार्बनिक की बढ़ती प्रतिशतता में सजाना है, तो ये सजाना है आपको बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा वाला देखना है या फिर सबसे कम वाला देखना है, तो पीट कोयले की बात करेंगे, इसमें कार्बन की जो मात्रा केवल 50% पाई जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा ये पाई जाती है आपकी 70%। एंथ्रेसाइट की बात करेंगे, इसमें 99.9% तक जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और बिटुमिनस की बात करेंगे, तो इसमें पाई जाती है आपकी 90% तक कार्बन की मात्रा। अब यहाँ से आप इसको जो है लगा सकते हैं, आपसे पूछा गया बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पीट यानी 50% वाला, तो दो जो है सबसे पहले में आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है तीन, इसके बाद आ जाता है आपका तीन, फिर आ जाएगा एक और चार, तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये की जाती है आपकी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है इनमें से, अलवनीकरण की बात करेंगे, समुद्री जल से संबंधित हो जाता है, प्रतिविलोम परासरण पेयजल से हो जाएगा, विद्युतीकरण ये प्रोटीन से संबंधित हो जाएगा, लेकिन पाश्चुकरण जो है ये चाय से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूध का निर्जमीकरण किया जाता है, ठीक है, और इसमें जो है रोगजनक जो सूक्ष्म जीव को ये नष्ट कर देता है, ठीक है, उसको कहा जाता है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कथन है और कारण से जो क्वेश्चन कहा गया आपका, एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़े वाले इलाके पर बारंबार जाता है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट, ये जो है क्षय रोग से पीड़ित होता है अगर वो बारंबार वहां पर जाएगा, छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके सही, दोनों कथन आपके सही हैं, कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट का जो है सही स्पष्टीकरण भी माना जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट।
निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा? जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है प्राकृतिक वास का जो विनाश है, ये महत्वपूर्ण कारक हो जाता है जैव विविधता के ह्रास के लिए। वॉशिंग मशीन कार्य जो सिद्धांत है वो करती है, तो ये हो जाता है अपकेंद्रण। ठीक है, 105 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ये अपकेंद्रण जो है, इसको काम कर अपकेंद्रण के कार्य सिद्धांत पर ये काम करती है वॉशिंग मशीन। हाल ही में खबरों में रहा बुरा चापारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बुरा चापारी वन्यजीव अभयारण्य, तो ये हो जाता है असम में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बुरा चापारी हो जाता है ये इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है, तो सही केवल एक हो जाएगा, न्यूटन की जो खोज है चैडविक ने की थी, बाकी सभी जो है आपके गलत यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, रेडियो आविष्कार की खोज की बात करेंगे तो ये आपकी बैकरोल के द्वारा की गई है। रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर नहीं है, ये हो जाता है आपका गाइडर काउंटर के द्वारा। नील हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक में हो जाएंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये दिया गया है यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है वैज्ञानिक सी वी रमन के जन्मदिन के रूप में। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक है, जो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाया जाता है उसके लिए प्रयुक्त बहुलक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है एमनियोसेंटिसिस, तो ये बताएगा भ्रूण लिंग को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेटोटाइप भी है, पेटोटाइप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है जो करंज है ये हो जाता है आपका पेटोटाइप पौधा। ठीक है, पौधे में जो है करंज फलीदार होने के कारण साथ साथ पेटोपादिक की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका लेमन घास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है या फिर घटती है या स्थिर रहती है, तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो रहती है आपकी स्थिर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन है मानव आहार में ग्लाइकिन सेरिन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, तो पहला आपका हो जाता है ये गलत, कारण की बात करेंगे अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, जो अमीनो अम्ल है ये मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से ए आपका गलत हो जाएगा और बी आपका हो जाता है यहाँ पर सही। ए गलत किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए सही और आर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषी नहीं है, कौन सी हो जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषी नहीं है, तो ये हो जाता है जो पिनाका हो जाती है, ये आपकी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषी नहीं है पिनाका। सूची को जो सूची 2 से सुमेलित करना और सूचियों के नीचे देख कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर भी आपको चुनना है, सूची 1 हो जाती है इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। तो यहाँ दिया गया जो क्यूशेक है ये किससे संबंधित हो जाता है, तो क्यूशेक संबंधित हो जाता है आपका जो प्रवाह की जो है दर बताएगा ये, ठीक है, जो जल की जो प्रवाह की दर है उसको जो है बताएगा क्यूशेक। बाइट की बात करेंगे ये आपका हो जाता है कंप्यूटर की जो है संबंधित हो जाएगा। रिक्टर जो है ये बताता है आपका भूकंप की तीव्रता, और बार जो है ये दाब की जो है बताने वाला है, इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाता है आपका 4, सी का हो जाता है 2 और डी का हो जाता है हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आपका होने वाला है।
भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हो जाते हैं। भूमिगत जल को जो है दूषित करेंगे वो अजैविक प्रदूषक कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? ओजोन जो है क्लोरोफ्लोर कार्बन से संबंधित हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, ये आपका हो जाता है गलत। रॉकेट की बात करेंगे, ये आपका ईंधन जो है केरोसिन तेल से संबंधित ये हो जाएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित हो जाएगा। और आपसे जो गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, जो अम्ल वर्षा है नाइट्रिक एसिड से संबंधित नहीं है। अम्ल वर्षा किससे संबंधित है? तो ये हो जाती है आपकी सल्फर डाई से संबंधित, सल्फर डाई ऑक्साइड से ये संबंधित आपकी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाएगा ये हो जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस होती है और ये जो है तीव्रता से रक्त में जो है घुलकर जो है आदमी को मार देती है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके दिए गए हैं भारत वर्ष में अधिनियमों के नाम और इधर दिए गए हैं आपके वर्ष, कौन सा जो है किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा दिखाया गया है यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित हो जाएगा? तो वन संरक्षण जो अधिनियम है ये संबंधित हो जाता है आपका 1980 से, ठीक है, 1980 में आ जाता है आपका वन संरक्षण अधिनियम। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आ जाता है आपका 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये आ जाता है आपका 1981 में। और जल प्रदूषण नियंत्रण ये आ जाता है आपका 1974 में। इस तरह से आपका हो जाएगा ए का एक हो जाएगा, बी का दो, सी का तीन और डी का हमारा चार हो जाएगा। और ये सब दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका सौर विकिरित जो ऊर्जा होती है यानी सौर विकिरण जो है ये संबंधित नहीं है आपका जलवायु परिवर्तन से। बाकी पृथ्वी की जो कक्षा की उत्केंद्रता है ये अंडाकार मार्ग पर होती है, ये संबंधित हो जाएगा। पृथ्वी घूर्णन अक्ष की तिर्यकता जो झुकाव है वो भी संबंधित हो जाएगा। और विषु आयन जो होते हैं वो भी संबंधित हो जाते हैं, जिसको ऑफशोर या ऑफशोर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राफा सीमा हाल ही में खबरों में देखी गई है जोड़ता है, ये क्या जोड़ेगा जो राफा सीमा होती है? तो ये हो जाएगी गाजा पट्टी और मिस्र, गाजा पट्टी और मिस्र को जो है ये जोड़ती है राका सीमा, ठीक है, ये हाल ही में जो है खबरों में देखी गई है। चुंगथांग बांध जो हाल ही में खबरों में था वह कहाँ स्थित है? चुंगथांग बांध की बात हो रही है तो ये संबंधित हो जाता है आपका सिक्किम से, ठीक है, तीस्ता नदी पर हो जाता है और सिक्किम में हो जाता है ये स्थित। गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गगनयान मिशन में जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये MK-13 GSLV का जो उपयोग किया जाता है, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क सेकंड के रूप में जाना जाता है, तो ये तो आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, गगनयान मिशन का जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसमें क्रू मॉडल और सर्विस मॉड्यूलर जो है शामिल हो जाएंगे, तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ये दिए गए हैं आपके सी, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। भारत द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है?
भारत द्वारा निर्मित है, विकसित है, तो ये हो जाता है 5G सक्षम ड्रोन और ये हो जाता है आपका स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी? तुर्की तो ये शुरुआत की जाती है आपकी ऑपरेशन दोस्त की, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त हो जाता है जो चलाया गया था आपका तुर्की सीरिया में आए भूकंप के लिए। नार्गोनो काराबाग निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र हो जाता है? किन दो देशों के बीच में हो जाएगा विवादित क्षेत्र? तो ये हो जाता है आर्मेनिया और अजरबैजान देश के बीच में ये विवादित क्षेत्र हो जाता है नार्गोनो काराबाग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपे घरेलू कार्ड योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं आपके संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। क्वेश्चन दिया गया है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है जो है इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। सही आपको बताना है इनमें से। तो यहाँ बात करेंगे प्रथम, जो विश्व युद्ध में ऑटोमो साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1948 में यहूदी नेताओं ने इसराइल की स्थापना की घोषणा की थी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, और तीनों ऑप्शन करेक्ट किस में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ई मित्र सेवा, उमंग, ई फिलिंग, डिजी लॉगर, फास्टैग आदि किस मॉडल के उदाहरण हैं? तो ये हो जाते हैं उपभोक्ता से लेकर सरकार तक के जो है उदाहरण आपके हो जाते हैं। 2028 ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 2028 के ओलंपिक के संबंध में। ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाता है। ये जो है पेरिस फ्रांस में आयोजित नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका लॉस एंजल्स में, ठीक है। लॉस एंजल्स होता है जहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल करने को मंजूरी दे दी है, तो ये आपका हो जाता है कहीं ना कहीं करेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सा जो है आपका सही है, तो केवल बी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत सरकार की 75-25 पहल किससे संबंधित है? जो 75-25 पहल है भारत सरकार की, वो किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों के लिए मानक देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का जो उद्घाटन है वो हो जाता है आपका भदोही में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है उन्नाव में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, विचार करिए निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है जिनमें से जो है सही कौन सा हो जाएगा। यहाँ कहा गया है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा घोषित विश्व राइनो दिवस गैंडे की 5 प्रजातियाँ एक और संरक्षण प्रयासों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 22 सितंबर को मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया ने इन प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एशियाई गैंडों के लिए दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। तो इस तरह से आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, ए और बी जो है दोनों आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं।
और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है 150 क्वेश्चन का, ये हमारा हो जाता है समाप्त। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।